आईएएस सुधीर कुमार सस्पेंड। नीतीश सरकार ने पेश की मिसाल, काम नहीं आया आईएएस लॉबी का विरोध। नीतीश कुमार ने अपनी कथनी को एक बार फिर से करनी में बदल दिया है। आईएएस सुधीर कुमार को सस्पेंड कर नीतीश ने फिर से एक बार साफ कर दिया है कि जब तक वो सीएम है, लालू और राबड़ी की पैरवी भी अनसुनी कर देंगे। जांच में चाहे कितना भी बड़ा नाम सामने आए, वो उसे सस्पेंड कर देंगे। आपको बता दें कि बीएसएससी पेपर लीक मामले में आईएएस सुधीर कुमार को हजारीबाग से उनके परिजनों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसका आईएएस लॉबी ने विरोध किया था। लालू राबड़ी ने भी कहा था कि आईएएस सुधीर कुमार ईमानदार है और उन्हें किसी ने साजिश के तहत फंसा दिया। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने भी कहा था कि आईएएस सुधीर कुमार को वो जानते हैं और उन्हें ईमानदार मानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने इन सब दलीलों को दरकिनार कर एसआईटी की सुनी और एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आईएएस सुधीर कुमार को सस्पेंड कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक कांड में सबसे पहले गिरफ्तार हुए पूर्व सचिव परमेश्वर राम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। परमेश्वर राम और अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना पक्ष रखा। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना।